हेलो डियर, आपका स्वागत है इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर नोबल प्राइज यानी कि नोबल पुरस्कार के बारे में कई सारी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा और इस साल के जितने भी नोबल प्राइज विनर्स हैं उन सब के बारे में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ और इस तरीके से बताऊंगा कि आपके मैक्सिमम चांसेस हैं एग्जाम तक उनको याद रख पाने के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आगे मैं कोई भी वीडियो बनाऊं उसके बारे में आपको पता चल जाए तो भाई तुरंत जो सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है ना उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो भाई स्टार्ट करते हैं। तो भाई इस वीडियो के अंदर हमारे हीरो हैं ये पर्सन जिनका नाम है एल्फर्ड नोबल। तो जो एल्फर्ड नोबल हैं इनके जो पिताजी थे उनकी एक्सप्लोजिव की फैक्ट्री थी। एल्फर्ड नोबल जो हैं वो केमिस्ट्री में बड़े ही अच्छे थे और जब इन्होंने अपने पिताजी की जो एक्सप्लोजिव की फैक्ट्री है वो ज्वाइन की जो कि स्वीडन में थी, स्वीडन के रहने वाले थे, तो वहाँ पर इन्होंने एक ऐसी चीज़ का आविष्कार किया जिसके लिए इनको आज तक दुनिया जानती है, दैट इज डायनामाइट। इन्होंने सिर्फ डायनामाइट की खोज नहीं की, इन्होंने खोज तो कई सारी चीज़ों की लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस डायनामाइट। डायनामाइट एक हिसाब से मैं बोल सकता हूँ बारूद, जो कि कंस्ट्रक्शन में भी यूज हो सकता है या फिर जो कि युद्ध डिस्ट्रक्शन में भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो भाई इन्होंने ये जो बारूद बनाया ये काफ़ी मात्रा में युद्ध के अंदर यूज होने लगा। आपस में जब भी देशों की लड़ाई होती थी तो डायनामाइट का यूज होने लगा क्योंकि सबसे ज़्यादा एडवांस्ड एक्सप्लोजिव जो बना रहे थे वो एल्फर्ड नोबल ही बना रहे थे। तो एक बार हुआ क्या, इन किसी एक्सप्लोजिव के अंदर इनके भाई मारे गए। ठीक है, तो जब इनके भाई मरे तो अखबार के अंदर ओबिचुअरी होती है ना कि भाई कोई आदमी मरता है तो छापते हैं, तो वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कि भाई एल्फर्ड नोबल शायद मारा गया, वहां पर इनकी ओबिचुरी के अंदर लिखा गया कि द मर्चेंट ऑफ डेथ, मतलब कि मौत का सौदागर इज डेड, मारा गया, कि मौत का सौदागर मारा गया। तो इनको वो पढ़कर काफी बुरा लगा और इनको इन्होंने देखा कि भाई हाँ, मतलब मैंने जो आविष्कार किया उसके कारण कितने लोगों की जाने जा रही हैं। और हाँ, इन्होंने ये बात पब्लिकली ऐसे घोषित नहीं की लेकिन ये माना जाता है कि अपनी मॉरल कंसाइंस के कारण, अपनी अंतर आत्मा के कारण इन्होंने बोला कि मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका जो मैक्सिमम हिस्सा है वो आज से उस हिस्से का जब मैं मर जाऊंगा उसके बाद, इन्होंने अपनी विल के अंदर बताया है कि उसका जो ब्याज है या जो इंटरेस्ट है वो हर साल इनाम के तौर पर दिया जाएगा उन इंसानों को जिन्होंने मानवता के लिए पिछले साल में अच्छे काम किए हैं। और ऐसा जब ये मरे तो उनके एग्जैक्टली 5 साल बाद पहली बार नोबेल प्राइज बांटे गए और 5 फील्ड के अंदर नोबेल प्राइज बांटे गए। जो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का फील्ड है वो बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो भाई ये किन किन फील्ड के अंदर मिलते हैं, किन किन क्षेत्र में मिलते हैं, ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट को फायदा हो सके, इस हिसाब से मैं लैंग्वेज यूज़ करने की कोशिश करूंगा। तो एक तो पीस, जो भी शांति का काम करे मानवता के लिए, जिसने मानवता में शांति लाई हो दुनिया के भर में, उसने युद्ध खत्म किए हों। ठीक है, देन लिटरेचर, साहित्य के अंदर, ठीक है, जैसे लेखक का जो फील्ड होता है कविताएं या बुक्स। देन केमिस्ट्री के अंदर रसायन विज्ञान, फिजिक्स भौतिक विज्ञान के अंदर, मेडिसिन चिकित्सा विज्ञान के अंदर। तो ये जो पीस वाला है और मेडिसिन वाला है काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ ले जाते हैं, ध्यान रखिएगा, आगे इनके बारे में मैं बताने वाला हूँ। और इकोनॉमिक्स के अंदर, अर्थशास्त्र के अंदर, तो भाई ये जो नोबेल पुरस्कार है कुछ इस तरह का दिखता है और इसके साथ में रुपए भी दिए जाते हैं ताकि वो स्पेसिफिक बंदा, वो आदमी, वो औरत अपने उस काम को और अच्छे जोश और जुनून से आगे करता रहे। और बिकॉज हम इंडिया से हैं तो हमें इंडिया से और नोबेल प्राइज से रिलेटेड जानकारी हमें पता होनी चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। तो जो पहले एशियन हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, मतलब इंडिया के ही हैं। तो पहले इंडियन, पहले भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला वो भी रविंद्रनाथ टैगोर हो गए जी, क्लियर है। और इनको क्यों मिला, इनको मिला लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार गीतांजलि पुस्तक के लिए, जो कविताओं की पुस्तक है। और अब तक जितने इंडियंस को मिला है नोबेल पुरस्कार वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए जी, चंद्रशेखर वेंकट रमन महान साइंटिस्ट हुए हैं जिनको फिजिक्स के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला है, भौतिक विज्ञान में।
देन मदर टेरेसा को शांति पुरस्कार मिला है, इन्हें तो आप जानते ही होंगे डेफिनेटली। एंड अमर्त्या सेन को इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में पुरस्कार मिला, और कैलाश सत्यार्थी को, मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान से हैं उनको, और इनको इकट्ठा ही मिला था नोबेल प्राइज, ठीक है, इनको पीस प्राइज मिला था। अब मैं आपको बता देता हूँ भाई इस साल के जितने भी नोबेल पुरस्कार मिले हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले पीस प्राइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो डेनिस मुकवेगे जो हैं वो कोंगो के रहने वाले हैं और ये एक डॉक्टर हैं। तो एक डॉक्टर को पीस प्राइज कैसे मिला मैं बता देता हूँ कि भाई यहाँ पर पढ़ो, एफर्ट्स टू एंड द यूज ऑफ सेक्सुअल वायलेंस एज ए वेपन ऑफ वार एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। तो जहाँ पर भी लड़ाइयाँ होती हैं, युद्ध होते हैं, कई ऐसे इलाके होते हैं नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब्ड होती है, तो वहाँ पर जो आर्म्ड रिबेल्स होते हैं या फिर कई जगह जो खुद आर्मीज होती हैं वो सेक्सुअल वायलेंस वहाँ पर करती हैं, तो उनको एंड करने के लिए ही इन दोनों को, डेनिस मुकवेगे और नादिया मुराद को, पीस प्राइज मिला है। तो भाई डेनिस मुकवेगे के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो डॉक्टर है ना, कई कई बार इनको 18 घंटे तक काम करना पड़ता है, 18 घंटे तक ऑपरेशन करने पड़ते हैं, और कई कई दिन ये 10-10 ऑपरेशन भी करते हैं जो कि विक्टिम होते हैं सेक्सुअल वायलेंस के उनके, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट नोन या फिर ओनली, सबसे जो जाने माने, सबसे ज़्यादा जानकार जो डॉक्टर हैं सेक्सुअल वायलेंस के विक्टिम्स के लिए वो यही हैं कोंगो से, ठीक है। और नादिया मुराद, ये रही नादिया मुराद के बारे में कुछ बातें बता दूं कि सिर्फ महज 24 या 25 साल की हैं फिलहाल ये, ठीक है। और एक और बात, ये इराक से हैं और आज तक किसी भी इराक के पर्सन को नोबेल प्राइज नहीं मिला, तो ये भी आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, फर्स्ट इराकी और इराक में पहली बार महिला को मिला है। तो भाई इनको है ना किडनैप कर लिया था, किन्होंने किडनैप कर लिया था, आईएस वालों ने, और 3 महीने तक इनको किडनैप रखा था, फिर भी जोश और जुनून के साथ अपने रास्ते पे ये चल रही है। तो अगला जो पुरस्कार है वो है फिजियोलॉजी मेडिसिन यानी कि चिकित्सा का पुरस्कार। और एक और बात ध्यान रखिए, ये वीडियो में मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, साथ में ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार सारी बातें ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद पीडीएफ से रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। तो भाई अगला चिकित्सा का भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मानवता के लिए चिकित्सा इंपॉर्टेंट है ना, तो ये भी दो लोगों को मिला है, जेम्स पी एलिसन। तो इन्होंने क्या डिस्कवरी की है, कैंसर ट्रीटमेंट की डिस्कवरीज की हैं, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए अच्छे अच्छे वेज उसको ट्रीट करने के लिए, ठीक है। तो जेम्स पी एलिसन जो है वो यूएसए से हैं और यहाँ पर है उनकी फोटो, क्लियर है, यूएसए से हैं। और तासुकु होन्जो को नोबेल पुरस्कार मिला है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ प्रोटीन, ठीक है। तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैंने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा है लेकिन फिर भी वो याद नहीं रहता है कुछ टाइम के बाद, तो इतना डिटेल में वो आपसे नहीं पूछने वाले, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि भी मेडिसिन के अंदर ये मिला है। तो तासुकु होन्जो जो है, नाम से आपको पता चल रहा होगा, जापान के रहने वाले हैं। तो पीस और मेडिसिन दोनों याद रखना और इनको भी रिवाइज करते रहना बाकी फील्ड्स को। तो भाई नेक्स्ट है अपने विलियम नॉर्थोस को मिला है फॉर इंटीग्रेटिंग क्लाइमेट चेंज इनटू, ध्यान दीजिएगा है, हिंदी वाले भी ध्यान दीजिएगा, क्लाइमेट चेंज मतलब कि जो मौसम में बदलाव होता है, जलवायु में जो परिवर्तन होता है, इनटू लॉन्ग रन मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। तो भाई लंबी देर तक मतलब लंबे समय तक जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, इकोनॉमिक अर्थशास्त्री की एक ब्रांच है, उसकी एनालिसिस के अंदर क्लाइमेट चेंज को इन्होंने इंक्लूड किया है, मतलब उसको तो एनालाइज किया ही किया है, साथ में क्लाइमेट चेंज का असर भी उसके ऊपर देखा है, और एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ काम किया है मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस के ऊपर लॉन्ग टर्म में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, मतलब कि टेक्नोलॉजी में जो नई नई चीज़ें आती हैं, इस चेंज को उन्होंने इंटीग्रेट किया है उसके एनालिसिस में पॉल रोमर ने। तो भाई जो इकोनॉमिक्स के फील्ड में जिनको अवार्ड मिला है उन्होंने किया क्या है कि लंबे रन में मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनालिसिस में उन्होंने क्लाइमेट चेंज या फिर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को इंटीग्रेट किया है। तो ये जो दोनों लोग हैं ये यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, और ये जो विलियम नॉर्थोस हैं ये यूएसए के रहने वाले हैं, और जो पॉल रोमर हैं ये भी यूएसए के रहने वाले हैं। मतलब थोड़ी देर पहले मेडिसिन वाले भी मैंने आपको बताए थे, तो यूएसए काफ़ी लोगों को मिला यार यूएसए से। देन अगला पुरस्कार है फिजिक्स का, जिसको आप बोल सकते हैं भौतिक विज्ञान के अंदर, वही भौतिक विज्ञान के अंदर आर्थर एस्कीन को मिला है, ठीक
है, इनको जाना जाता है फादर ऑफ टॉपिकल फील्ड ऑफ ऑप्टिकल ट्वीजर्स। तो इनके काम के लिए मिला है इनको कि फिजिक्स में अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये सबसे अच्छा इस काम के लिए जाने जाते हैं। देन जो जिराड मऊरव है और जो डोना स्ट्रिकलैंड है, तो इनको आप ऐसे जान सकते हो इजी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि लेजर के ऊपर काम करने के लिए। ठीक है, लेजर के ऊपर मतलब लेजर के बारे में इन्होंने कुछ इन्वेंट किया है। इन्होंने इन्वेंट क्या किया है, इन्वेंशन ऑफ चर्प्ड पल्स एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, जो कि लेजर से रिलेटेड है। लेजर लाइट 35 रुपए के लाते थे, अलग अलग चित्र बनाते थे ना उस लाइट से रिलेटेड। तो भाई जिराउड मौरो और डोना स्ट्रिकलैंड, तो अब मैं आपको तीनों लोगों की पिक्चर्स दिखा देता हूँ। तो जो आर्थर एस्कीन है वो ये हैं, और जिराउड मौरो ये हैं, और जो डोना स्ट्रिकलैंड है वो ये हैं। तो इन दोनों ने इकट्ठा ये काम किया है, और ये तीनों किस किस देश से हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये यूएसए से हैं, ये फ्रांस से हैं, और दोनों स्विट्जरलैंड कनाडा से हैं। ठीक है, अगला जो पुरस्कार है वो है भाई लास्ट पुरस्कार है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये केमिस्ट्री में है। तो फ्रांसिस एच आर्नोल्ड, इनको क्यों मिला है, पायनियरिंग द यूज ऑफ डायरेक्टेड इवोल्यूशन टू इंजीनियर एंजाइम्स। तो इन्होंने क्या किया, पायनियरिंग मतलब कि उस हिस्से में महारत हासिल किया, यूज ऑफ डायरेक्टेड इवोल्यूशन मतलब डायरेक्टेड इवोल्यूशन का यूज किया इन्होंने टू इंजीनियर एंजाइम्स, एंजाइम्स को इंजीनियर करने के लिए। एंजाइम्स क्या होते हैं, आप लाइक केमिकल्स बोल सकते हैं एक आम भाषा में उनको। ठीक है, उनको इंजीनियर करने के लिए। तो अगर मैंने इसके बारे में पढ़ा तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो आप ऐसे नॉर्मल आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने है फ्रांसिस एच अर्नोल्ड, और ये भी यूएसए से हैं। तो भाई यूएसए वाले बिल्कुल कमाल कर रहे हैं। जॉर्ज पी स्मिथ, इनको भाई जाना जाता है फॉर फेक डिस्प्ले के लिए इनको जाना जाता है। और कभी कभी क्या होता है, एक स्पेसिफिक चीज के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं देते हैं कि वे स्पेसिफिक इस चीज के लिए दिया। कभी कभी पुरस्कार देते हैं कि केमिस्ट्री में आपने आज तक या रसायन विज्ञान में जो भी आपने काम किया है उसके लिए ये लीजिए, आपको मिलता है इस साल का नोबेल पुरस्कार, ऐसे भी मिल जाता है। तो इनको इस काम के लिए जाना जाता है, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जॉर्ज पी स्मिथ हैं, ये भी यूएसए के रहने वाले। और जो ग्रेग विंटर हैं उनको जाना जाता है जो थेरेपेटिक यूज ऑन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इसके लिए। ठीक है, तो ये जो हैं ग्रेग विंटर, ये यूके के रहने वाले। अब मैं आपको एक और प्राइज बताने वाला था, लिटरेचर प्राइज, लेकिन लिटरेचर प्राइज फिलहाल अनाउंस नहीं किया गया है, किसी को नहीं दिया गया है, कंट्रोवर्सी चल रही है। ठीक है, पोस्टपोन कर दिया गया है। तो जब भी लिटरेचर प्राइज दिया जाएगा मैं आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसे पिन कर दूंगा, या फिर आप बाद में देख रहे हैं तो आप भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि किसे लिटरेचर पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार इस साल का मिला है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले, एक तो वीडियो को लाइक कर दो, और एक यहाँ पर जो वीडियो है वो इस महीने के करंट अफेयर्स की वीडियो है। अगर आपने इस महीने के करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं तो भाई इस वीडियो पर क्लिक करो और उन्हें इंजॉय करो, मैं आपको इस वीडियो के अंदर मिलूंगा। जी हाँ, इस पर क्लिक करो, इस वीडियो के अंदर मिलते हैं। बाय बाय।